भैया जल्दी चलो, देरी हो रही है। बंटी, तुम्हारी माँ के लिए राइटिंग उसका पति है और फोटोग्राफी उसका बच्चा। उसके पैशन के आगे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बंटी, घर आने वाला है, बुक को बैग में रखो। ठीक है मम्मी। इस सुनसान जगह को फोटोग्राफी के लिए क्यों सेलेक्ट किया प्रिया? आखिर यहाँ पे क्या स्पेशल है? राइटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? नॉवेल लिखने के लिए ऐसी जगह इंस्पिरेशन है। ओके, तो अब चले ना। चाचा ने क्यों बुला लिया? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो चल के देखते हैं, कोई काम ना पकड़ा दे। हाँ सही है। अच्छा रहा। सामान लेकर आओ। पीछे सामान है, निकाला। इधर आओ। सत्यानाश कर दिया। अरे रे, सारा सामान गिरा दिया। What's wrong with you? हाथ से छूट गया। अब तो इनको डांट पड़ेगी। यार कहाँ था तुम्हारा? क्या कर दिया? संभाल कर चलना चाहिए था ना। क्या कर दिया तुमने? अरे चल। अरे पागल औरत, सामान संभाल कर उठाना था ना। मैडम नाराज होकर चली गई ना। चल अभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। कहाँ से सीखी है? सब पकौड़े। प्रिया, मेरा सामान पैक कर दिया है ना? कर दिया है। आप दो दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। बंटी आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा। ये सच है बंटी? सिर्फ बंटी बेटा ही मिस करेगा या उसकी माँ भी मिस करेगी मुझे? क्या करें प्रिया, जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। बाय द वे, कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं। ना मुझे सरप्राइज चाहिए ना कुछ और। हेलो हेलो प्रिया, सुनो तो। प्रिया ओए, क्या है ये? तुम्हारी माँ का गुस्सा कभी कम नहीं होगा। क्या करें, झेलना ही पड़ता है मुझे। सारा सामान ठीक से रख दिया ना सुभाष? हाँ जी साहब। सिर्फ काम ही करते रहिए वहां पर। आप अपनी तबीयत पर ध्यान मत दीजिए। फुर्सत मिले तो लेटर लिख दीजिएगा। सर कनेक्शन कर दिया है मैंने, आप चेक कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ। टेलीफोन। Okay.
पढ़ाई करना और अपनी माँ का ध्यान रखना, माँ को परेशान मत करना। मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा, तुम रिप्लाई करोगी, हम दोनों को जवाब देते देते महीनों बीत जाएंगे। मैं तो तुम्हें मिस ही करता रह जाऊंगा, इसलिए ये टेलीफोन तुम्हारे लिए गिफ्ट। एटलीस्ट दिल से हम दोनों करीब तो रहेंगे एक दूसरे के। आप मुझे रोज फोन करेंगे ना? व्हाई नॉट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। यस, टेक केयर। तुम दोनों अपना ख्याल। मम्मी नया टेलीफोन देखो कितना प्यारा है, रेड कलर। अब हम रोज पापा से बातें किया करेंगे। अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। कितना अच्छा है ना बेटा। मैम साहब ये क्या है? कमला ये टेलीफोन है, कोई दूर हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। देखो रिंग होने के बाद इसको उठाते हैं, फिर हम हेलो कहते हैं, यहाँ से बोलते हैं और यहाँ से सुनते हैं। समझ गई मैम साहब। ठीक है कमला, बंटी के लिए खाना लगा दो। खिला दूंगी। जाओ बेटा। अच्छा तुम्हें सब समझ में आ गया ना, खाने में क्या बनाया? आज मटर आलू की सब्जी बनाई है। इधर आओ। जब भी लिखने बैठती हूँ नॉवेल के लिए कोई थॉट ही नहीं आता है। Thank you.
जी मैम साहब, पुलिस यहाँ क्यों आई थी? मैम साहब, यहाँ परसों से एक औरत लापता हो गई है, उसी के बारे में पूछताछ करने आए थे। और मैम साहब, वो औरत जंगल के रास्ते से आ रही थी। इससे पहले भी दो लोग लापता हो चुके हैं, अभी तक किसी का कुछ नहीं पता चला। पता नहीं जमीन खा गई है या आसमान निकल गया। अच्छा, वो जगह मुझे दिखा सकते हो? मैम साहब, क्या कहा? उस जगह पर? नहीं नहीं, अगर साहब को पता चल गया ना तो मुझे जिंदा जला देंगे मैम साहब। सुभाष प्लीज, मुझे वो जगह दिखाओ ना। नहीं मैम साहब, नहीं दिखा सकता, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता मैम साहब। सुभाष भाई, नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कीजिएगा मैम साहब। हो सकता है नॉवल लिखने के लिए उस जगह से थॉट मिल जाए। क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाऊं या नहीं? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? पहले तुम बताओ ना। मैंने आपसे पूछा ना, तो पहले आप बताइए। फोन तुमने किया है तो तुम बताओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अच्छा ठीक है, अब जीवा को फोन दो। जीवा को? सॉरी, इस नाम का यहाँ कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर नहीं है, समझी, सही नंबर पर कॉल किया है। चलो अब जीवा को फोन दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मैंने कहा ना, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। मेरा दिमाग खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप जीवा को फोन दीजिए ना। मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर है, बार बार क्यों परेशान कर रही हो? थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? नॉनसेंस। हेलो, यहाँ का साहब कौन है? ए सुनो, ये पुलिस स्टेशन है, जरा धीरे बात करो। साहब कहीं काम से बाहर गए हैं, बताओ काम क्या है। सुनो, अपने साहब से कहना पंडित आया था। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। सुनो कांस्टेबल, मुझे जानते हो क्या? मैं इस गांव का पहलवान हूँ। ये पता है, मेरी माँ 3 दिन से लापता है, वो जिंदा है या मर गई मुझे कुछ नहीं पता। ऊपर से सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम है। अच्छे, गुरुदेव को मेरा नमस्कार। तुम्हारी माँ कहाँ गई आखिर, मुझे कैसे पता होगा? मेरी माँ मर गई होगी तो भी चलेगा, इससे मुझे फायदा ही होगा। ओ। मेरी माँ की बॉडी को ढूंढ कर निकालो, इससे सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। ओ, 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 ओ। माँ का पता नहीं चला ना तो मैं इस पूरे पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दूंगा। सर सुन रहे ना हवालदार साहब, सर जय हिंद। कौन है वहां पर? और उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी है, बहुत बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या है उसकी? सर सॉरी सर, वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहता है, उसकी माँ गायब हो गई है सर। ठीक है, उस औरत की डिटेल निकालने को कहा था ना, क्या हुआ? डिटेल निकाला था सर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस जगह से 4 लोग लापता हैं सर, वो जगह ठीक नहीं है, वो औरत उस इलाके में ही काम करती थी सर। उस जगह की इंक्वायरी कर करके थक चुके हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा सर। ठीक है ठीक है, वो 4 केस की फाइल लेकर के आओ, जाओ। ओके सर। हाँ, रुको।
रुको अभी पकड़ती हूँ। मैडम आज आपका लैंडलाइन चालू हो जाएगा। क्या कहा? पर आज तो एक कॉल आया था। क्यों मजाक कर रही है मैडम, अभी तो कनेक्शन लगा भी नहीं है मैडम, वो एडवांस। सॉरी भाई साहब। कमला मेरा पर्स लेके आओ। लाती हूँ मैम साहब। ये लीजिए। चलता हूँ मैडम। अगर इसने कनेक्शन नहीं जोड़ा तो वो फोन कैसे आया था? कोयलिया बोली रे अमुआ के डार अपनो को। अरे आगे का हो गया, पंचर हो गया, धत्तरी आज के दिन खराब है। चला एक थे बेड़ी पे नहीं। यहाँ को है भाई, कहो दिखाए तो नहीं रहा है। अगर अगर हिम्मत हो तो सामने आ। चला यहाँ से निकल लेते हैं। पंटी ये कॉमिक अच्छा है ना। मेरा बच्चा हेलो प्रिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तुम लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं। और मेरा बेटा उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो गया ना? हाँ एडजस्ट हो रहा है धीरे धीरे। बंटी तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं नहीं, गुड बॉय बन गया, यहीं पर है। बंटी इधर आओ। अभी फोन देती हूँ पापा। हेलो पापा। हाय बंटी, आप कैसे हैं? ठीक हो बेटा? काम कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। खाना खाया आपने? जरा माँ को देना। जी मम्मी ये लो। हेलो नाम क्या है? प्रसाद नाम है सर। तुम यहीं पे काम करते हो? हाँ सर यहीं पे काम करता हूँ। सर। हाँ यह कौन है? सर ये आदमी यहीं पे काम करता है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रसाद नाम है सर। यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सर। इसी गांव में रहते हो? बगल वाले गांव में रहता हूँ। कोई सबूत मिला क्या यहाँ? कुछ नहीं मिला सर। सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर मुझे लगता है कि कातिल हमसे भी ज्यादा चालाक है। चेहरे से मैं तुझे बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? सर मैं आपको बेवकूफ कैसे कह सकता हूँ? ठीक है ठीक है। आसपास के गांव में पूछताछ किया? राजेंद्र वहां पर गया है सर। कितनी देर पहले गया? सर 1 घंटा तो हो गया होगा। सर वो देखिए आ गया। राजेंद्र लोगों से पूछताछ करी? सर मैं वहाँ जाके आया सर। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, जब उसके मालिक से पूछा तो उसने बताया कल शाम वो छुट्टी लेकर चला गया था। उसके बाद वो वापस नहीं आया सर। उसके बाद मैं उसके घर भी गया, वहाँ भी पूछताछ किया लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। ए, राकेश सर ये साइकिल पुलिस स्टेशन लेकर के आओ। चलो तुम गाड़ी में बैठो। जी सर। तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो। ओके सर।
पाटिल सर। एस सर, मैं प्रिया, सेंट्रल कॉलेज में जर्नलिस्ट की स्टूडेंट थी, उस वक्त आप मेरे प्रोफेसर थे सर। हाँ याद आया, तुम वही हो ना, पटपट सवाल पूछने वाली दुबली पतली सी लड़की। पहचान लिया। वही। यस यस सर, आपकी रिसर्च कैसी चल रही है? यस, गोइंग वेल। सर पास में ही मेरा घर है, कॉफी के लिए आइए ना। वो क्या है, यही पास में गोल्डन कॉलेज में मेरा सेमिनार चल रहा है। एंड माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग। आई विल कम सम अदर टाइम्स। नाइस मीटिंग यू सर। ओके ओके, सेम टू यू। लगा है। थोड़ा सा और। बस मम्मी, एक निवाला और। नहीं मम्मी, पानी चाहिए। ठीक है, लाती हूँ। बंटी, बंटी, कमला, बंटी, 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 कौन हो तुम? अच्छा, मुझे नहीं जानते तुम। इस विक्की की नजरों से कोई भी औरत या लड़की बची नहीं है अभी तक। यहाँ का रोमियो हूँ मैं। स्टुपिड, चलो यहाँ से। मैं बात जानता हूँ कि तुम एक राइटर हो और तुम्हारे पति दुबई में हैं। तुम यहाँ अकेली हो, ये तन्हाई कैसे कटेगी? ये क्या मैडम, नाराज नहीं होना चाहिए था। अगर एक चांस दे देती तो तुम्हारी लिखी किताब में हम दोनों की अनोखी प्रेम कहानी छप जाती। गोल्डन चांस मिस कर दिया तुमने। चल। बंटी, मैंने कितनी बार समझाया किसी अजनबी से बात नहीं करनी है, फिर क्यों की बात? हाँ? क्या है ये, क्या है ये, क्यों लिया ये? दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंटी, बंटी, सॉरी बेटा, बंटी, क्या हुआ बेटा? सॉरी बोला ना, माँ से नाराज हो तुम? इधर देखो ना, बंटी, ए बंटी, ए बंटी, रोना बंद करो। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई ना, हाँ, तो वापस कभी नहीं आऊंगी। बंटी,
मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ मम्मी हेलो हेलो मुझे बचा लीजिए प्लीज प्लीज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप कहाँ से बोल रही हैं? मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया है, मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, वो पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। वो बताइए ना, वो रूम नंबर 18 थर्ड क्रॉस। तुम बहुत डर गई ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली वो क्या है ना, 2 घंटे हो गए हैं और मैंने किसी से भी बात नहीं की। मैं बिना खाए पिए सोए रह सकती हूँ, लेकिन किसी से फोन पे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अभी तुम क्या कर रही हो, फोन पर बात ही तो कर रही हो ना? अरे आप तो सिर्फ सुन रही हैं, मेरी बातों का जवाब तो दीजिए। अगर मैंने अपनी बातें किसी से शेयर नहीं की तो मैं मर जाऊंगी मैडम, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझसे बात कीजिए, तुम पागल हो क्या? चाहे मुझे पागल बोलिए या सनकी बोलिए या फिर बेवकूफ बोलिए, पर आप मुझसे बात करते रहिए, इससे मेरा मन हल्का हो जाएगा और बेटर फील करूंगी। अच्छा ठीक है। कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा वो जो नई राइडर है वो आप ही हैं? यस सर। देखिए आप इस गांव में नई हैं, यहाँ के बारे में आपको मालूम नहीं, ये एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है,
चलिए जीप में बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी से रिलेटेड आप मुझे कुछ बताएंगे? गाड़ी को साइड में रोको। यस सर। मैडम को उनके घर पर ड्रॉप करके जल्दी आ जाना। ठीक है सर। मैडम मैडम, अरे क्या हुआ मैडम? मैडम मैडम, अरे मैडम सुनिए तो, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चोर से तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आप घर क्यों नहीं गई? कह रहे आपको जाने को कहा था ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आओ कैसे आओ, इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। मेम साहब, आप पुलिस की जीप से आई हैं? तुझे इससे क्या, जाके अपना काम कर, जा जल्दी कॉफी लेकर आ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कितने पैसे लेंगे आप? हेलो, कुछ तो बोलिए सर। बंटी वॉल्यूम कम करो। प्रिया मैं बोल रही हूँ। अरे तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? मुझे बार बार फोन क्यों करती रहती हो? हेलो होल्ड ऑन, एक मिनट। हाँ क्यों फालतू में टेंशन लेती रहती हो? वहां रख दो कमला, सुभाष को कार लाने के लिए बोलो। ठीक है मैम साहब। हाँ बताओ। हाँ अब मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें एंटरटेन करने के लिए कॉल किया था और तुम मुझ पर ही भड़क गई। 20 तारीख को अदालत चलना है। एक्चुअली कॉल करने के लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, और तुम हो कि मिर्ची की तरह तीखी बातें कर रही हो। तुम जैसी पागल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा अच्छा तारीफ बंद करो, ये बताओ क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। क्यों रही हो? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ क्या? वो रास्ते में जो पागल मिला था उसे क्यों याद कर रही हो आप? ठीक है ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खाओ, चलो फोन रखो, बाद में बात करती हूँ, बाय। खाना खाया? क्या देख रहे हो? हेलो, भी करनी चाहिए ना, चुप क्यों हो? जानवर की औलाद, पुलिस से पंगा लेता है हा? तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस पर हाथ डालेगा? गंदी नाली का कीड़ा। Thank you.
अरे ये क्या सर, आप जानते हैं ये पागल है, उसके बाद भी इसकी इतनी पिटाई कर दी। ए, मुझे इस पर डाउट था इसीलिए मारा। डाउट था तो इंक्वायरी करनी चाहिए, पूछताछ के बजाय आप इस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। लगता है आप ही को लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। ये लीजिए इसका बेल ऑर्डर और छोड़ दीजिए। राजेंद्र सर, इस पर इनके साइन ले लो और उसे छोड़ दो। चलिए यहां सिग्नेचर कीजिए। उठ चल, तेरी बैल हो गई, उठ चल संभल कर। आजा आजा संभल कर, अरे संभल कर चल। देख देख याद रखना, पहचान लो मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, वापस आऊंगा। लोग आ गए ना सर? सर सर, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सभी के केस की फाइल को मैंने पढ़ा है। वो सब पढ़ने के बाद हर 15 दिन में एक औरत या एक आदमी गायब हो रहे हैं। अच्छा, वो साइकिल वाला 3 तारीख को गायब हुआ था ना, और आज है तारीख 18। केस हिस्ट्री के अनुसार आज के दिन कोई ना कोई जरूर गायब होने वाला है, इसीलिए जिस जगह से लोग गायब हो रहे हैं उस जगह पर चौकसी बढ़ा दो। जाओ साहब जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है बोलो। साहब जी, सब लोग क्राइम सीन पर चले जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में कौन बचेगा? गुड क्वेश्चन। राजेंद्र यहां अकेला रहेगा, बाकी सब उसी जगह जाएंगे। जाओ सर। उसने मारा उसने। लो आखिर आना ही पड़ा ना हो। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ भाई, अब हमारा क्या होगा भाई? वो तो ठीक है, पर तुम क्यों कांप रहे हो? बस मैं कांप रहा हूँ क्या? तो सभी कांप रहे हैं। अरे अभी तो बस दारू है, थोड़ी दिलवाई ना। अरे थोड़ी देना, माफ करना वर्दी माता। अरे सर इधर भी थोड़ी, इधर बस दो घूंट बची। अरे 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 रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मुझे डर लग रहा है। चलो चारों तरफ देखो, तुम्हें कोई दिखाई दिया क्या? नहीं सर, नहीं सर। मुझे नहीं पता, मारे मारो मारे मारो।
जूली के घर जूली पिक्चर देखने गया था। जूली पिक्चर बढ़िया सीन था ना? सर सीन कहाँ देख पाया मैं? वो यहाँ यहाँ पर। यहाँ पर कैसे आया? एक नकाबपोश मेरे पास आया था सर। नकाबपोश? उसने पीछे से वार किया, मैं बेहोश हो गया था सर, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। सहूलिया बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकता हूँ। सर अभी तो कह रहा था कि ये जूली फिल्म देखने गया था, अब ये कह रहा कि यहाँ पर पड़ा था। तुम्हारे साथ क्या होता है पूरी बात बताओ। सर वो ना बिल्कुल मेरे जैसा ही था, वो देखने में रोमियो टाइप लग रहा था सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरी ही तरह था सर। ठीक है कल पुलिस स्टेशन आके स्टेटमेंट लिखवा देना अपना। ओके सर। चलो उसको ढूंढते हैं, ढूंढो जल्दी। चलो। कमला कल सुबह पूजा रखी है, उसका सामान ले आना और बंटी के लिए बिस्किट भी ले आना। हाँ, ठीक है। हेलो क्या कर रही हो तुम प्रिया? मेरी छोड़ो तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? हाँ हाँ मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। फ्रीक्वेंसी की वजह से उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स तक अब कनेक्ट हो रहे हैं और हम बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उनोस तुम ही पोर्ट होकर वो पैरेलल यूनिवर्स में जा सकती हो। सर आपकी बातें सुन के लगा साइंस इज अ स्टिल बिग मिस्ट्री सर। यस साइंस इज अ बिग मिस्ट्री। साहब बंटी बंटी हाँ इधर आओ मम्मी। बंटी जानवी मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? इसे उतारो और अब देखो। अब बताओ जानवी शादी से पहले ये सब गलत है। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? तुम्हारे पापा को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पापा सो गए होंगे। ये जानवी किससे बात कर रही है? तुम उनकी टेंशन मत लो, मुझे पता है वो 9 बजे खाना खा के सो जाते हैं। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। अब तुम भी दो। अरे तू इजाजत के मेरे घर में घुसकर क्या कर रहा था? चोर मैंने तुझे जान से मार डालूंगा। कमीना कहीं का। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तेरी माँ नहीं है इसलिए मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया तुझे। चल मेरे साथ, चल। मेरे पीछे से ये सब कर रही है तू? बताऊँ तुझे? पापा, प्लीज पापा।
दो चार दिन अंदर बंद रहेगी तो आखिर ठिकाना आ जाएगी। तेरा खाना पीना बंद अब से। चुप हो जा। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज पापा, 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 प्लीज दरवाजा खोलिए ना पापा। पापा पागल है, जब देखो तब मुझे डांटते ही रहते हैं। गंदे पापा। तुम हंस रही हो प्रिया? पापा ऐसे भड़क गए थे जैसे उनके सर पर आसमान फट गया हो। ऐसे गंदे पापा को सबक सिखाना चाहिए, क्या कहती हो तुम? जानवी, बड़ों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? तुम्हें मालूम है प्रिया, उन्हें अपनी बेटी की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। बड़े ऐसा क्यों कहते हैं? उसके पीछे कोई कारण होता है। उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, समझी? तुम एक बात जानती हो, मेरे पापा है ना, दिमाग से थोड़े पैदल हैं। ए, दिमाग से पैदल नहीं है मेरा बेटा। हाँ? बेटा? मेरे पापा तुम्हारे बेटे हैं? यानी कि तुम मेरी दादी हो? प्रिया, मैं सबको बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट हूँ और तुम मुझे ही बेवकूफ बना रही हो। सुनो, मेरी बात पर यकीन करो, विजय मेरा बेटा है और तुम मेरी पोती हो। ऐसा क्या? रुको पापा। क्या हुआ बेटी? पापा जल्दी आइए यहाँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? पापा। आता हूँ। आगे आगे आगे, लीजिए अपनी माँ से बात कीजिए। मेरी माँ? मेरी माँ कैसे फोन करेगी? हेलो 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 बंटी, हेलो 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 बंटी। अरे फोन पे कोई बात नहीं कर रहा जान। एक मिनट रुकिए प्रिया, पापा फोन पर थे। प्रिया, तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? पापा लीजिए लीजिए लीजिए। प्रिया प्रिया, बात कीजिए बात कीजिए। हेलो माँ, मैं तुम्हारा बेटा बंटी बोल रहा हूँ माँ। मैं आपसे बात करने के लिए कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ माँ, बात करो ना माँ। हेलो हेलो बंटी, तुम? हाँ बेटी, मेरी माँ बात नहीं कर रही है। दोबारा ऐसा मजाक मेरे साथ कभी करना मत, नहीं तो गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगा। हेलो हेलो जानवी, हेलो तुम मेरी माँ के बारे में जानती क्या हो? वो कविता और कहानियां लिखती थी, पता है बहुत बड़ी राइटर थी वो। अगर मेरी माँ के बारे में जानना है तो सेल्फ में न्यूज़पेपर रखा है, वो पढ़ोगी तो सब कुछ जान जाओगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। देखो जानवी, दोबारा मेरी माँ के बारे में ऐसा मजाक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मजाक की एक लिमिट होती है, आगे से यह बात ध्यान रखना। हेलो हेलो प्रिया, फोन ही कट कर दिया प्रिया ने। ये दादी की फोटो है। Wow, she's beautiful. से मैं आऊंगी, बादलों के बीच से ढूंढ लाऊंगी। हाँ
हेलो, तुम खुद को मेरी दादी कहती हो ना? चलो चेक करते हैं। मेरी दादी ने एक कविता लिखी है, तुम उस कविता को पूरा करके दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगी। हाँ सुनाओ ना। चांद के पार से मैं आऊंगी, बादलों के बीच से ढूंढ लाऊंगी, तेरा दिल जब भी धड़केगा तुझे सीने से लगाऊंगी, आंसू तेरे देख नहीं सकते, आंसू पी जाऊंगी। जानवी, तुम एक बात जानती हो, ये कविता मैंने अभी अभी लिखी है। ओह माय गॉड, ऐसा सच में हो रहा है? तुम तो सच में मेरी दादी हो। दादी, आप सच में मेरी दादी है ना? दादी, अभी आप कहाँ पर हैं? जानवी, मेरा यकीन करो, तुम शॉक हो जाओगी। मैं तुमसे 1980 से फोन पे बात कर रही हूँ। 1980 से? जानवी, तुमने कहा कि ऑफिस में आके मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, बट 1980 की पैरेलल यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स की बात कर रही हो। यहाँ से पोती बात करना शुरू करेगी और उधर से दादी जवाब देना शुरू करेगी। जानवी, तुम यहाँ पे कविता शुरू करोगी और तुम्हारी दादी वहाँ पे खत्म करेगी। हेलो मैडम जी, आपको देखने में क्या मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? तुम सिर्फ बेवकूफ दिखते नहीं हो, बल्कि हो भी। ये ऑफिस है ना, इसीलिए मैं चुप हूँ। तुम कहीं और होते तो मैं तुम्हें अच्छे से बताती। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ और तुम मेरा दिमाग और खराब कर रहे हो। पागल हो क्या तुम? ऑन डिमांड सर्विस सेंटर का बोर्ड लगा कर रखा है, सबकी हेल्प करते हो, लेकिन मेरी हेल्प नहीं कर सकते तुम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरी हेल्प नहीं करोगे तुम? आगे से मुझसे कभी बात मत करना। चल हट। हे जानवी, जानवी मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, बोलो। अरे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैंने रिसर्च किया है, मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स है। मुझे लगा तुम समझोगे, इसलिए तुम्हारे पास आई, पर तुम तो सॉरी। अब बताओ कि करना क्या है। हेलो। हेलो, सुबह से कहाँ थी, फोन ही नहीं किया? वो सब छोड़िए, आप पहले ये बताइए मेरे पापा को छोड़कर क्यों गई थी? तुमसे किसने कह दिया? मैं अपने बेटे को छोड़कर क्यों जाऊंगी? किसने कहा ये जाने दीजिए, आप अपने बेटे को छोड़कर क्यों गई, जवाब दीजिए। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपने बेटे को छोड़कर क्यों जाऊंगी? ऐसा है तो एक मिनट होल्ड कीजिए। पापा, एक मिनट यहाँ आइए। आ रहा हूँ। जहाँ हक है वहाँ पूछा नहीं जाता है। क्या हुआ बेटी? अच्छा पापा, दादी आपको क्यों छोड़कर चली गई थी? तुझसे किसने कहा कि तेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई थी? ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था। उस समय वो मुझे बिना बताए कहीं चली गई थी। मैंने बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। उस जगह से 3 लोग गायब हुए, लेकिन आज तक किसी का भी पता नहीं चल पाया। इसका मतलब नेक्स्ट मिसिंग केस मैं ही हूँ।
मैडम बस एक मिनट मैडम। ठीक सर। एक मिनट रुकना, जा भेज दो उन्हें। ठीक है सर। हाँ बोलो क्या कह रहे थे मैडम। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ ठीक है। आप बैठिए, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आपने जो कंप्लेंट लिखाई है उसके बारे में मालूम है ना? मालूम है सर। जैसा सोच रही है वैसा नहीं है मैडम। अरे ए सर, गुड मॉर्निंग सर। लड़की ढूंढ के शादी कर ले, डंडा दे मुझे। ये सब देखने से तो लग रहा है बड़ा ही रंगीन मिजाज का आदमी है वो। सर कल रात मिला था तो बहुत ज्यादा नाटक कर रहा था, हमें लगा है सच बोल रहा है इसीलिए भरोसा किया, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो ये मरा पड़ा है। सर अब तक यहाँ पर जो भी कत्ल हुए हैं सब इसने किए हैं, अब इसके लिए गवाह क्यों चाहिए? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सब के पीछे इसका हाथ है? हाँ सही है सर। हा? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सॉरी सर। ये पकड़। सुनो मदन सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ठीक है सर। फोटो देखने में टाइम वेस्ट मत करो, आगे क्या करना उस पर सोचो। ठीक है सर। चलो मैडम, आपके द्वारा लिखाई गई कंप्लेंट के अनुसार एक मरा हुआ व्यक्ति किडनैप कर सकता है क्या? आप जरा सोचिए मैडम। मैडम आप राइटर हैं, हम जानते हैं आपकी अपनी इमेजिनेशन किताब के लिए सही है, कानून आपकी सोच से बहुत दूर है। अगर विकी ने यह काम नहीं किया तो किसने किया? कौन हो सकता है, किसने किया होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई और भी तो हो सकता है, किससे पता करूं? कौन बता सकता है, किससे पता करूं? जानवी जानवी अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुनो। 1980 दिसंबर में अक्षय तल्ली गांव में क्या क्या घटनाएं हुई थी उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। वहाँ पर क्या क्या मिला वो सब मुझे बताओ। हाँ ठीक है प्रिया, मैं गूगल में चेक करके बताती हूँ। ओके। गूगल ये क्या है? अरे आप ये सब नहीं समझेंगी, पहले फोन रखिए बाद में बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। सर आई गॉट इट। सर ढूंढने से एड्रेस तो मिल गया है, इस साइट पे जाएंगे तो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके इसका प्रिंट निकालो। ओके सर। चलो वहां चलते हैं। Go!
जलते हैं तुमसे, तुम्हारी कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं वो। गोपी, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड, तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। चुप रहो तुम। ये बात तुम्हारे अलावा किसी और ने की होती तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो तुम। वो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे दोस्त। हेलो, समझो मेरी बात। क्या हुआ जानवी? प्रिया, उस गांव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही न्यूज़पेपर में और ना ही गूगल पे। ठीक से ढूंढो ना, कुछ तो जरूर मिलेगा। तुम्हारी बात मान के 3 महीने पुराने पेपर्स भी देख लिए पर कुछ नहीं मिला। अगर कुछ हुआ होता तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता, पर कुछ भी नहीं मिला। न्यूज़ मिली है, जल्दी यहां पर आओ। प्रिया एक मिनट। हां मुझे। हाँ प्रिया, लॉयर परमेश्वर मिसिंग हो गए, ये खबर 4 दिसंबर 1980 में पेपर में छपी थी। अच्छा, ओके जानवी। 4 दिसंबर, का मतलब हादसा आज ही होगा। मतलब आज ही। वो जैसे भी थी मेरी माँ थी, उन्हें ढूंढ कर निकालिए सर। वो मिल जाएंगी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। ठीक है सर, मैं तो यहाँ पर आकर परेशान हो गया हूँ। मैडम, साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। ये क्या है मैडम? ये पुलिस स्टेशन है, आप बार बार यहाँ क्यों चली आती हैं? पुलिस स्टेशन को क्या समझ रखा है आपने? आपने एक लॉयर का एक्सीडेंट कर दिया, उसे आपने हॉस्पिटल पहुंचाया, इसीलिए छोड़ रहा हूं। आगे कोई गलती मत करना, ये समझा रहा हूं। समझ रही हो ना?
आप राइटर हो इसीलिए आपको छोड़ रहा हूं, वरना छोड़ता नहीं। और सुनो मैडम, ये राइटर लोग ख्वाब नहीं जीते रहते। हेलो प्रिया। हेलो हेलो, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो बोला। हेलो जानवी, मैं जो बता रही हूँ जल्दी लिखो, जल्दी। एक मिनट रुको। लॉयर परमेश, BA LLB, हाउस नंबर 110, हरिद्वार सदर, सोमनाथ पेट टैग। इस एड्रेस पर ये आदमी है कि नहीं इसका पता करो। हाँ हाँ ठीक है, करती हूँ। परमेश्वर जी का घर यही है? कौन परमेश्वर? एडवोकेट परमेश्वर यही रहते हैं क्या? इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। हेलो, सुना है 3 साल पहले वो यहीं रहता था, लेकिन अब पता नहीं। कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? मैंने सुना है बेंगलोर में जाके वो सेटल हो गया है। आपके पास उनका नंबर है क्या? हाँ है ना जी, बोलिए। 77 हाँ, 88 68। थैंक यू। हेलो हेलो, परमेश्वर जी आप बोल रहे हैं क्या? परमेश्वर जी नहीं है, उनकी डेथ हो गई क्या? ए, क्या बोल रही है? वो बैंकॉक में है। वाह, तो वो जिंदा है ना? ए, तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? पक्का वो जिंदा है ना? ए, मेरे पापा है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा फोन मत कर रहा। थैंक यू सो मच। इडियट। तो परमेश्वर जिंदा है। यस। जानवी क्या हुआ? चलो 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 चलो, बताती हूँ, चलो। बात सही है, लॉयर परमेश्वर अभी भी जिंदा है, पर मैं उनसे मिल नहीं पाई। पर मुझे एक न्यूज़पेपर मिला है, उसमें क्या लिखा है मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम सुन रही हो ना प्रिया? हाँ जानवी बोलो। 100% तुम भी लापता हुई हो। पेपर में लिखा है, नाम प्रियंका, एज 30, हाइट 5'3", व्हाइट साड़ी पहनी हुई है। जो भी इसे ढूंढ कर निकालेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। ये सब कुछ मिसिंग कॉलम में लिखा हुआ है। प्रिया, प्रिया तुम सुन रही हो? कुछ तो बोलो प्रिया, प्रिया जवाब दो।
बंटी, बंटी, बंटी उठो बेटा। बंटी, बंटी, आज मुझे जरा काम से जाना है, तो दिन भर कमला के साथ रहना, ठीक है? गुड बॉय। कमला, कमला, आई मैम साहब। मैम साहब, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, कमला, आज के दिन तुम बंटी को अपने घर ले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है मैम साहब। जाओ बेटा। कमला जी, संभाल कर रहना। कहीं भी जाकर छुप जाओ, नहीं तो जल्द ढूंढ लूंगा। Thank you.
से बदले की चाह रखने वाला विकी उसे ऊपर भेज दिया। तू जाए भी उसके पीछे। क्यों नहीं हो, कोशिश तो करो। Thank you.
कमला, बंटी, चलिए साथ में। प्रिया
ही नहीं है। क्या हुआ बेटी? प्रिया, प्रिया। हैं? पापा, दादी कहाँ है पापा? अरे अंदर होगी, जाके देखना। प्रिया।